जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर मुझे मैसेजेस मिलते हैं या ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे कहने की कोई ऐसी चीज़ आ जाती सामने कि लोग पूछ रहे होते हैं कि जब मार्केट क्रैश करती है तो किन कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनता है, लॉन्ग टर्म बैठने से प्रॉफिट बनता है, होल्डिंग करने से प्रॉफिट बनता है। उसके अलावा जो आपने स्कैल्पिंग के लिए पैसे रखे होते हैं, जो आपने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखे होते हैं, जो आपने कुछ यूएसडीटी सेव रखे होते हैं, तो वो आप लोगों ने एंट्रीज पकड़नी होती जब मार्केट क्रैश करती है। मार्केट जब भी क्रैश करे आप लोगों ने एक्सचेंज के टोकन नहीं छोड़ने। ओके एक्सचेंज का हो गया, बायबिट का हो गया, बीएनबी हो गया, बाइनेंस का हो गया, ठीक है, इस तरह के जो भी कॉइन्स है आप लोगों ने एक्सचेंज पे जाना है, उनके कॉइन्स देख लेने, उनमें एंट्री लास्ट में पकड़नी है। और जो फंडामेंटली स्ट्रांग टोकन है और जो टॉप 10 टोकन्स हैं डॉज को छोड़ के, डॉज सिर्फ फंडामेंटली मूव करता है, जो कि इलॉन मस्क की ट्वीट आ गई या कोई उस पर ट्विटर ज्यादा आ गई उस पर डॉज आपको मूव करते हुए नजर आएगा। अदरवाइज जब भी मार्केट क्रैश करे, अगर आप सिक्योर तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप जो क्रिप्टो मार्केट को, सॉरी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएं, जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बीटीसी को आप छोड़ दें, बीटीसी में अच्छा प्रॉफिट नहीं बनने वाला, सम हाउ सिक्योर आप वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, फ्यूचर ना करें उस वक्त, फ्यूचर में आप लोग लॉस करेंगे। इथेरियम के ऊपर कर लें, बीएनबी के ऊपर कर लें, उसमें और भी काफी ज्यादा टोकन आ जाएंगे जो उस वक्त वॉल्यूम में अच्छे होंगे, जो टॉप 10 में आ रहे होंगे, तो वहां पर आप लोग एंट्रीज लेके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक्सचेंज के टोकन करने हैं, स्मार्ट चेन के टोकन करने, जिसमें डॉट हो गया, सोलाना आ गया, केएसएम आ गया, कुसामा, ये टोकन भी अच्छा है, और उसके साथ साथ आप लोग यहां पे इथेरियम में कर सकते हैं। ये वो टोकन है जो आपको एक अच्छा मार्जिन दे सके। थीटा भी एक अच्छा टोकन है इस वक्त, थीटा में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जब मार्केट क्रैश करती है। तो क्रैशिंग में आप लोगों ने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आप लोग देख रहे होते हैं डिफरेंट टेलीग्राम्स के ऊपर कि वो हमें सिग्नल देंगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे, उस वक्त तक मार्केट ऊपर जा चुकी होती है, क्योंकि हम लोग भी जब मार्केट क्रैश करते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग चल रहा होता है, हम अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, तो उस वक्त कोई बंदा भी आपको गाइड नहीं कर रहा होता। तो आप लोग अपना माइंड क्लियर कर लें कि आप लोग जब भी मार्केट क्रैश कर रही है आपने किस में एंट्री लेने, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स में एंट्री लेने अगर सिक्योर चाहते हैं, और 10% 20% 30% पे एग्जिट कर जाना है। मार्केट चाहे जितनी मर्जी ऊपर जाए, मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट के अंदर, मार्केट उससे ज्यादा आपको चांसेस देगी अगर आपके पास यूएसडीटी हुए, अगर यूएसडीटी नहीं तो फिर आप हाथ पे हाथ धरे देखते रह जाएंगे। जितना प्रॉफिट मिल रहा है अपना हिस्सा निकालें, मार्केट से दूर हो जाएं, क्रैश मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में एंट्री लें, अपना प्रॉफिट निकालें, मार्केट से बाहर, दैट्स इट। इतनी सी स्ट्रेटजी है और इसको मैं नेवर लॉस स्ट्रेटजी इसको भी मैं कह सकता हूं। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे लास्ट में फॉलोअप कीजिए। टेलीग्राम पे मैं अपने यहां पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म सारे कॉइंस शेयर करते रहता हूं, और उसके साथ साथ चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करने, और बाकी जो बेसिक्स लेवल पे लोग आए वो मेरी सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। आपको होस्ट राहिल राज।